हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल पावर ऑफ प्लांट्स। कोरिएंडर या फिर धनिया, हम सबको पता है ये कैसे ग्रो करता है। सीड्स डाल लीजिए और वो ग्रो हो जाता है। बट आज मैं आपको बताने वाली हूँ एक राइट ट्रिक, जिससे आपके कोरिएंडर्स जो है, आपके जो धनिया है, वो बस 5 से 6 दिन के बीच में हेल्दी से हेल्दी ग्रोथ करेगा विदाउट एनी फॉल। ओके, सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। सबसे पहले आपको पॉट लेना है। पॉट ज़्यादा डीप नहीं रहा तो भी चलेगा, फ्लैट पॉट्स भी चलते हैं, बिकॉज कोरिएंडर्स की जो रूट्स है वो ज़्यादा डेप्थ तक नहीं जाती है, शॉर्ट रूट्स होती है। सो अगर आप इसे फ्लैट पॉट में भी लगाएंगे तो भी चल जाएगा। अब हम इसका सबसे पहले बनाने वाले हैं सॉइल कंपोजिशन, किस टाइप का सॉइल सैंड हमें किस टाइप का कंपोजिशन इस पॉट में डालना है। ओके, सो आइए बढ़ते हैं कंपोजिशन की तरफ। सो हमें लेना है कुछ परसेंट, 30% हमें सैंड लेनी है, 50% हमें गार्डन सॉइल लेना है। गार्डन सॉइल नहीं रहा तो हम नॉर्मल सॉइल भी यूज़ कर सकते हैं, बट गार्डन सॉइल जो होता है बहुत ज़्यादा न्यूट्रिशंस वाला होता है, तो हमें गार्डन सॉइल लेना अगर है अवेलेबल तो हम ले सकते हैं। और फिर कुछ परसेंट हमें लेना है कंपोस्ट, ये वेजिटेबल किचन वेस्ट से बना हुआ कंपोस्ट है। अगर ये आपके घर में अवेलेबल है तो आप ये ले सकते हैं, और अगर ये नहीं है तो फिर आप वर्मी कंपोस्ट भी इसके जगह पर यूज़ कर सकते हैं, बिकॉज ये बहुत रिच इन न्यूट्रिशन होता है जो हमारी प्लांट्स की ग्रोथ के लिए बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव है। सो अब हमें सबसे पहले ये सारे तीनों भी चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है, ये सबका कंपोजिशन बनाना है अच्छी तरह से, और फिर हम इसे फिल करेंगे हमारे पॉट में। सो ये मिक्स हो गया है, आइए अब हम इसे फिल करते हैं अपने पॉट में। ध्यान रखिएगा कि नीचे में आप इसमें थोड़ी सी सैंड डाल दें, क्योंकि सैंड जो होती है वाटर को फ्लो आउट होने में हेल्प करती है, तो नीचे में एक लेयर आप सैंड की डाल सकते हैं स्टोन के बाद। तो मैंने यहाँ पे 2 पॉट को फिल कर लिया है। अब हम सॉइल को वेट करेंगे, पानी डालना है इसमें थोड़ा सा, ताकि सॉइल जो है हमारी गीली हो जाए। सॉइल गीली होने के बाद हमें डालनी है इस पे एक लेयर कंपोस्ट की फिर से। हमारा सॉइल तो बन के रेडी है, अब हम करते हैं कोरिएंडर सीड के स्प्लिटिंग्स। सो ये है कोरिएंडर के सीड्स, जो सीड्स हम ले रहे हैं सो करने के लिए, मिट्टी में डालने के लिए, उगाने के लिए। हमें ध्यान रखना है कि वो सीड जो है वो फ्रेश रहे, या फिर अगर फ्रेश नहीं है तो आप मार्केट से फ्रेश वाले लेकर आ सकते हैं। और ये जो सीड्स है वो आपको किचन में नॉर्मली मिल जाएंगे, इजीली अवेलेबल होते हैं, या फिर दूसरे एक सीड्स आते हैं चाहे तो आप वो मार्केट से लेकर आ सकते हैं। और इसे मिट्टी में सो करने से पहले हमें इसे 2 पार्ट में स्प्लिट करना है, मतलब एक इसका हमें 2 ऐसे सीड्स को अलग करना है ताकि एक सीड में से हमें 2 पौधे मिल जाए। सो सबसे पहले हम इसे करेंगे स्प्लिट, 2 इसमें हमें इसे बांट देंगे, और फिर उसके बाद हम हमारे इसे पॉट में लगाएंगे। आप चाहो तो इसे अपने हाथ से भी स्प्लिट कर सकते हैं, बहुत जल्दी से ये स्प्लिट हो जाते हैं हाथ से। अगर हाथ से नहीं करना है तो आप कोई ऑब्जेक्ट लेकर आप इसके ऊपर रब कर सकते हैं। अगर आप किसी ऑब्जेक्ट की हेल्प से इसे इस तरह से करेंगे तो ये सीड्स देखिए किस तरह से 2 पार्ट में डिवाइड हो रहा है, और हमारे सीड्स की जो क्वांटिटी है वो भी बढ़ रही है। सो आप इसे अच्छी तरह से पहले स्प्लिट कर लीजिए। सो हमारे जितने भी सीड्स थे वो सारे 2 इसमें डिवाइड हो गए हैं अच्छी तरह से। अब हम इसे लगाते हैं हमारे मिट्टी में। मिट्टी में लगाने से पहले मिट्टी को थोड़ा इस तरह से कर लीजिए। अब इवेंचुअली हम यहाँ पे हमारे सीड्स डालेंगे। ध्यान रखिएगा कि एक के ऊपर को भी एक सीड ना आए, क्योंकि इसके ग्रोथ पे थोड़ा सा अफेक्ट हो जाता है, सीड जर्मिनेशन में फिर प्रॉब्लम होती है अगर 2 सीड एक के ऊपर आ गए तो।
पॉट में भी हम डालते हैं। सारे सीड्स डाल दिए हैं, अब हम इसके ऊपर और एक लेयर कंपोस्ट की डालने वाले हैं, ताकि जो कोई इंसेक्ट है या कोई बर्ड है आकर ये सीड्स को ख़राब ना कर दे या फिर इस प्लांट की ग्रोथ को स्टॉप ना कर दे। एक थीन लेयर से आपको आपके पूरे सीड्स को कवर कर लेना है। सो कवरिंग के बाद सीड्स के हमें इस पे फिर से एक बार पानी दे देना है। कुछ डेज 2-3 दिनों में ही ये अपनी ग्रोथ जो है वो स्टार्ट कर देगा। तो ये है 10 डेज के बाद का रिजल्ट। मैं आपको 3 दिन के बाद का शो करने वाली थी, बट बीच में ही बहुत हैवी रेनफॉल हो गया था। सो जो न्यू ग्रोइंग प्लांट्स आए थे वो सारे काफ़ी डैमेज हो गए थे। सो मैं उसके 3-4 दिन के बाद का रिजल्ट जो है वो रिकॉर्ड नहीं कर पाई। सो ये है 10 डेज और ये सेकेंड पॉट में आप देख सकते हैं कितनी अच्छी तरह से ग्रोथ हुई है। पहले जो इसके लीव्स होते हैं वो कुछ इस तरह से होते हैं और फिर धीरे धीरे ये कोरिएंडर के लीव्स के शेप में अपने पूरी तरह से आ जाते हैं। कुछ कुछ ही यहाँ पे प्लांट्स देख सकते हैं जो अभी भी ग्रो हो रहे हैं, कुछ कुछ अभी भी हो रहे हैं, कुछ काफ़ी बड़े हो गए हैं और बहुत अच्छी तरह से इन्होंने हेल्दी ग्रोथ दिखाई है। और इसकी लेंथ भी देखिए काफ़ी टॉल हो गए हैं। और इसके बाद जब हार्वेस्टिंग का टाइम आएगा तो मैं उसके बाद का आपको हार्वेस्ट करने के बाद का भी रिज़ल्ट शो करूँगी। तो ये 15 डेज के बाद का रिज़ल्ट है और आप देख सकते हैं कि जब मैंने आपको 10 डेज के बाद दिखाया था तो उसकी हाइट कितने छोटे छोटे से थे और अब इसकी आप हाइट देखिए, इतनी लॉन्गली इनकी ग्रोथ हुई है। कुछ डेज अगर मैं इसे और रखूँ 5 से 6 दिन तो इनकी और हाइट बढ़ेंगी, बट मैं इसे आज ही हार्वेस्ट करने वाली हूँ ताकि ये इसे कुछ और फंगस अटैक या कुछ और ना हो। इनकी हाइट जो है सफिशेंटली ग्रो हो गई है। सो अब हम इन्हें करते हैं हार्वेस्ट। इनका हार्वेस्ट पीरियड का टाइम जो है वो आ चुका है। जब भी आप इसे हार्वेस्ट कीजिए तो एक बात का ध्यान रखिए कि आप कभी भी इसे इसके रूट्स के साथ मत निकालिए। हमें इसके जो स्टेम है वहाँ से ऐसे कट करना है ताकि जो ये जो प्लांट्स है वो फिर से रीग्रोथ करे अपने। यहाँ पे आप देख सकते हैं काफ़ी अनवांटेड टाइप के जो प्लांट्स हैं, कुछ कुछ जगह पर वो अनवांटेड प्लांट्स ग्रो हुए हैं, उन्हें आप निकाल कर फेंक दीजिए। वैसे तो कोई इफेक्ट नहीं होता है अनवांटेड प्लांट्स से कोरिएंडर लीव्स को, बट स्टिल आप इसे ना रहने दे वो पॉट में। सो अब हम इसे करते हैं हार्वेस्ट। हार्वेस्ट करने के लिए आप सीजर वगैरह ले सकते हैं और इसे हमें इस तरह से कुछ काटना है। देखिए कुछ कुछ लीव्स यहाँ के तो अभी भी ग्रो होना बचे हैं, सो इसलिए आप इसे टोटली जड़ से ना उखाड़े। तो ये हमारी जो भी है हार्वेस्टिंग हो गई है और आप देख सकते हैं काफ़ी हेल्दी से कोरिएंडर्स हमें मिल गए हैं और जो बचा वाला है वो फिर से रीग्रोथ के लिए रख दिया गया है। सो अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है सो प्लीज़ लाइक द वीडियो, कमेंट एंड डू शेयर विद एवरीवन एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब द चैनल।